इट इज द टाइम टू पे बैक दिस इज शोए फारूकी आई वेलकम यू टू दट इज द पॉइंट आज जो है वो एक और दिलचस्प मौजु के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक्चुअली बात कुछ यूं है कि कल मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था तो उनसे बात हो रही थी और उनको नसीहत कर रहा था नसीहत कुछ यूँ के जो मेरे वालदेन ने की और सतजा ने की और उसके बाद मैंने तकरीबन बीस इक्कीस साल अपने प्रोफेशनल कैरियर में डे टू डे लाइफ में उसको आजमाया तो ये एक आजमूदा नुस्खा है तो मैंने कहा चलें क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और अपने व्यूअर्स तक इस बात को पहुंचाया जाए तो आज का जो उनवान है वो है सेवन एक्ट्स टू गेट थिंग्स डन इन योर लाइफ सात ऐसे नुक़ात जिससे आपके रोज़मर्रा के काम आपकी ज़िंदगी के बड़े काम छोटे काम वक्त पे खुश असलूबी से अंजाम पा जाएं। तो इससे पहले हम आगे गुफ्तु को आगे बढ़ाएं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म के मौजूद जो है वो आप तक पहुंचते रहें और हम आपस में रबते में रहें तो पहला अहम नुक्ता जो है वो ये है कि सुबह का नाश्ता जो है वो वक्त पर किया जाए और भरपूर किया जाए आ, उस नाश्ते के अंदर ज़रूरी है कि आप आ, फ्लोर यानी आटा गंदम का हो मकई का हो जौ का हो बाजरे का हो ज़रूर लें किसी भी फॉर्म में आ, इसके अलावा जो है आ, एग लें दूध लें आ, कोई ना कोई फल ज़रूर खाएं आ, तो इससे आपका दिन जो है वो भरपूर गुजरेगा आपके दिमाग को जो है वो तोानाई मिलेगी जिससे वो अच्छा परफॉर्म करे और आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहेंगे दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि दिन में जो है वो कहा यह जाता है कि तकरीबन दो से तीन लीटर पानी मौसम के मुनासबत से जैसे आजकल कल सर्दियाँ हैं तो अगर दो से ढाई लीटर पानी भी पी लिया जाए तो तकरीबन सात से सा आठ गिलास बनते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन आपकी बॉडी फंक्शंस को चलाने के लिए उनको रवा रखने के लिए बहुत ज़रूरी जैसे एक मशीन को फ्यूल की ज़रूरत होती है उसको उसके बाद लुब्रिकेशन की भी जरूरत होती है यानी फ्यूल तो आपने नाश्ते की फॉर्म में डाल दिया लेकिन अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो जो है वो लुब्रिकेट नहीं होगी मशीनरी आपकी जिसको जो आपकी बॉडी है तो बॉडी के पार्ट्स अब चलेंगे तो दिमाग अच्छा चलेगा खून की रवानी रहेगी और आप भरपूर ज़िंदगी गुजार पाएंगे तीसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि एक से दो घंटे सिर्फ अपने लिए मुख्त करें जिसमें आप हों और आप हों आप अपने आप से बातें करें आप अपने आप को समझाएं, आप अपने आप से शिकायत करें आप अपने आप पर गुस्सा करें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने आप से बात करें और इसका तो बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि जैसे मैं इस वक्त आपसे मुखातब हूँ ये तमाम चीज़ें मैंने अपने बच्चों को तो बताएँ उससे पहले अपने आप को भी बताई अपने कुछ शागिदों को भी बताई फिर मैंने कहा नहीं मैं इसको मज़ीद रिकॉल करने के लिए याद रखने के लिए क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि तीन चार दफ़ा ये वीडियो मैं खुद भी सुन लूँ चौथी बड़ी अहम चीज़ ये है प्रोमोडोरो टेक्निक एक है जिसको ये कहा जाता है कि आपका जो दिन का काम है उसको आप सेशंस में करें यानी आप उस काम को कुछ सेशन में तोड़ लें और एक सेशन 25 से 30 मिनट का हो और उसके बाद जो है वो आप ब्रेक लें पाँच मिनट की इसके अंदर आप पानी पिए जो स्मोकर्स हैं वो स्मोक करें आपने गपशप लगानी किसी को फ़ोन करना है मोबाइल आजकल बहुत लोग देखते हैं टाइम ज़ाया होता है उसमें तो लेकिन उस 25 मिनट के अंदर आप किसी से ना बात करें और ना कोई काम करें फ़ोन आपका साइलेंट पर रहे तो ये कहा जाता है कि इस टेक्निक से जो है वह आप अपना वो काम जिस पे आप अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ रखना चाहते हैं खुश असलूबी से कर पाएंगे अच्छा जी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और पाँचवीं बड़ी अहम चीज़ जिस पर हमेशा मैंने तोज् देनी चाही लेकिन मुझे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा लेकिन आज भी मैं इस बात पर मुतफिक हूँ और जो हूँ पुराजम हूँ कि मैं ये अपनी चीज ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा इसको कहते हैं जी स्टॉप डूइंग लिस्ट यानी आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं उन आदात की जो आपका आप समझते हैं कि वह आपका वक्त ज़ाया करती हैं लेकिन बारहा आप वो चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में और उन चीज़ों का भी लिस्ट बनाएं जो आप उनके बरक्स करना चाहते हैं लाइक कि अगर मैं जो हूँ वो अपने काम के दौरान मोबाइल देखना नहीं चाहता मैं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल देखना नहीं चाहता इस इस आदत से मुझे बहुत चिड़ है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ लेकिन मैंने अपने सामने एक लिस्ट बनाई हुई है कि मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ और इसके बरक्स जो है वो मैं मोबाइल के लिए ख़ास वक्त बनाना चाहता हूँ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के लिए ख़ास मैंने वक्त बनाया हुआ है दिन में और मैं उसी टाइम में आ, अपना वक्त जो है उन उन चीज़ों पे लगाता हूँ ना कि मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो मोबाइल पे देखूँगी जी कोई मैसेज तो, तो नहीं आया कोई फेसबुक पे मैसेज तो नहीं आया कोई ईमेल तो नहीं आई तो इस पर बड़ा वक्त ज़ाया होता है छठी बड़ी अहम चीज़ ये छोटे स्टिकी नोट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें कबर्ड पे लगाएं टेबल पे लगाएं लैपटॉप पे लगाएं हाथ पे लगाएं, अपनी वर्किंग डेस्क पे लगाएं, जिस पे आप दिन पूरे दिन के काम लिखें और वो ज़रूरी चीज़ें लिखें जो आप याद रखना चाहते हैं सातवीं बड़ी चीज़ जो आखिरी है और बड़ी अहम है वो ये है कि फ़ाइंड योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हर इंसान का एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है और वो वो टाइम होता है कि जिस पे इंसान अपने पूरे आबोताब से अपने तवज्जो को माइंड को मरकूज कर सकता है किसी ख़ास काम पे। तो उस टाइम में आप अपने दिन का सबसे ज़रूरी काम करें कोई असाइनमेंट मिला हुआ है कोई चीज़ याद करनी है किसी को फ़ोन करना है कोई बड़ा अहम आर्ग्यूमेंट करना है कोई डिस्कशन करना है तो वो टाइम जो है वो या प्लानिंग करनी है वो वक्त पे आप वो काम करें यह जो आपका प्राइम बायोलॉजिकल टाइम है तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम सातों पॉइंट जो हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे और अपनाएंगे तो मुझे फीडबैक भी देंगे कि अगर ये आया ये सातों पॉइंट जो हैं वो आपके लिए कारमद हैं कि नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये सात पॉइंट्स जैसा कि मैंने अपने बच्चों में भी की अपनी फैमिली में भी तल्कन की अपने शागिदों में तलकिन की और मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक आई हमेशा तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ये बड़े ज़ूदमंद और कारमद साबित होंगे आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया साइनिंग ऑफ फ्राम दैट्स द पॉइंट दिस इज़ श्योयर फारूकी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ अल्लाह हाफिज़